हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मी गोमती। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो फ्रेंड, आज बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक का स्टेटमेंट की वीडियो तो मैंने बना दी है कि आपने कैसे स्टेटमेंट देखना है, बट कमेंट्स आ रहे हैं कि स्टेटमेंट को डाउनलोड कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टेटमेंट को डाउनलोड कैसे करना है। मैं ऐप के थ्रू डाउनलोड कर रही थी, नहीं हुआ, तो एक दूसरा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद एक आप पीडीएफ फाइल अटैचमेंट मांगेंगे, तो आपको पीडीएफ फाइल अटैचमेंट को आपने क्या करना है, आपने पहले अपने 4 डिजिट मीन्स आपके नेम के स्टार्टिंग के 4 डिजिट, मान लीजिए मेरा नाम गोमती है तो GOMA, जब मेरे ये शुरू के लेटर होंगे, ये मेरा 4 डिजिट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जो सर्टिफिकेट्स में रजिस्टर्ड होगा, तो आपको डेट ऑफ बर्थ के 4 डिजिट कर देने। मान लीजिए मेरा 20 अगस्त को बर्थ है, तो मुझे लिखना है 2008, ये मेरा पीडीएफ फाइल का जो है वो पासवर्ड होगा। तो आपको ऐसे करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, ताकि आपको एक एक डिटेल बारीकी से पता चल सके। फ्रेंड्स, अगर आप यस बैंक का क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप के थ्रू, बट प्रॉब्लम ये आ रही है ऐप में डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ डाउनलोड। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड में जाएंगे, सेम ट्रांजेक्शन पे हमें जाना है, स्टेटमेंट में क्लिक करना है। जो जिस मंथ का हमें स्टेटमेंट चाहिए, उस मंथ का हम स्टेटमेंट व्यू कर लेते हैं। जब व्यू पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, पेज खुल रहा है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 3 लाइंस हैं ऊपर, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। स्टेटमेंट डिटेल पे क्लिक कर देते हैं, सो ऑल पे क्लिक कर देते हैं। देन जब यहाँ पे हम डाउनलोड का ऊपर ऑप्शन है, रेड मार्क्स आपको मैंने साइन कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ से डाउनलोड, इस पर मैंने क्लिक किया, बट ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ आपको, आपने क्या करना है। यहाँ से बैक हो जाना है, यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी खोलेंगे, आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, आप उसी से ही यस बैंक में आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी, आप उसके थ्रू खोल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मेल आईडी खोल लीजिए। यहाँ पे आप सर्च करेंगे ऊपर यस बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, आपने ये सर्च करना है यस बैंक स्टेटमेंट। यहाँ आने के बाद देख, आप नीचे जितना भी चेक करेंगे, जितनी भी स्टेटमेंट होगी डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के, आपको शो हो जाएगी। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पे अटैचमेंट लगी होंगी, यहाँ पे देखो शो हो रहा होगा अटैचमेंट। आप ध्यान से देखेंगे, आपको पीडीएफ की फाइल जो होती है वही अटैचमेंट है हमारा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए यस बैंक सीसी स्टेटमेंट लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब हमें चेक करना है, देखिए कि अटैचमेंट है यहाँ पे पीडीएफ फाइल, यहाँ पे पीडीएफ, इस पर व्यू पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड मांगता है, बट डाउनलोड हो चुकी है, मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये यहाँ पे पासवर्ड मांगेंगे। तो पासवर्ड क्या होगा आपका, आपके पासवर्ड में जो आपका नाम है और आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो जो जितने नेम का आपके 4 स्टार्टिंग के जो 4 लेटर्स होते हैं वो हैं, और आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दीजिए, जो आपका पासवर्ड है। ओपन कर लेना, ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, व्यू टू व्यू योर ई स्टेटमेंट, तो इस पर क्लिक हेयर लिखा हुआ है ब्लू कलर का, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्रोम पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आने के बाद
इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पे भी सेम आपके जो नेम का है 4 डिजिट और आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके 4 डिजिट आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के, जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त, तो 20 और 08 2008, तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ का होगा, और मेरा नाम गोमती है तो GOMA होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और इसको शो ऑल पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं आपने सही डाला है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आप वेरीफाई जब करेंगे तो आपका वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये खुल गया है। अब यहाँ पे डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, आप डाउनलोड कर लीजिए दोबारा से। देखिए अगेन, मतलब मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप दोबारा करना चाहते हैं तो डाउनलोड पे मैं क्लिक करके आपको शो कर देती हूँ। फिर से ये पासवर्ड मांगेगा, जो आपका पासवर्ड है बता रखा है मैंने आपको, सेम आप फीड कर दीजिएगा। आपका ओपन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप फ्रेंड्स आपका यस बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना आ गया होगा, अगर आ गया है तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपकी मेल आईडी यस बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप वहाँ पे होम ब्रांच में जाके, यस बैंक की होम ब्रांच में जाके अपनी मेल आईडी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसे आप सबमिट कर दीजिए, ईमेल आईडी पे टिक कर दीजिएगा, 24 आवर्स में आपकी मेल आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अगर रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आप ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और एक और नोट मैं बता देना चाहूँगी, आपका जो PDF का जो पासवर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में ही लिखना आप, बिकॉज़ अगर आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो वो नहीं खुलेगा। तो आप ये ध्यान रखना, कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो फ्रेंड्स मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।